स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज 3.2 बी क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। बोर्ड के ऊपर मैंने प्रॉब्लम नंबर 18 लिखा हुआ है। कौन सा प्रॉब्लम है देखिए, प्रॉब्लम में अपने आपने इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इस टाइप के प्रॉब्लम कौन से कैटेगरी में आते हैं पहले वो अपने को देखना है, एंड उसका टाइप्स कौन सा है वो अपने को देखना है, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोसीजर उसकी स्टेप्स कौन थी है वो अपने को क्या करना है पहले देखना है। अरे मैं तो पहले अपन इसका करस्पॉन्डिंग टाइप देख लेंगे कि ये जो प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम कौन से कैटेगरी में आता, मतलब कौन से टाइप्स में आता और उसकी क्या प्रोसीजर है वो अपने को पहले देखना है। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम कहां आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स या फिर 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी डीएक्स। ओके, इस टाइप के जो प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम ये कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, ऐसे अपने इसमें तीन कैटेगरी और है, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है ये पहली कैटेगरी, दूसरा कॉस एक्स दूसरी कैटेगरी, तीसरा कॉस टू एक्स वो होंगे आपकी थर्ड कैटेगरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो अपने को 18 वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो इस कैटेगरी में आएगा। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो आगे के बचे हुए दो कैटेगरी के अंदर आएगा, तब अपन उसके बारे में वहां सोचेंगे। अभी अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये वाला प्रॉब्लम इस तरफ आ जाता है, काय में इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इनको सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स दी हुई है, तो मैं स्टेप्स यहां पे लिखता हूं। पहली स्टेप है, स्टेप 1 डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ये हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काय से रिप्लेस कर दिया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर दिया। जब मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करूंगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या इतना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स अपॉन वो a अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो a अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी क्या हो जाएगा, a इंटू sec स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगी, क्या मिल जाएगा आपको, b मिलेगा। क्या किया आपने, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स। a अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब a sec स्क्वायर एक्स प्लस बी। फिर क्या करना है, स्टेप टू रिप्लेस sec स्क्वायर एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये जो डिनोमिनेटर में जो sec स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर के sec स्क्वायर एक्स वो कैसे रिप्लेस करना है आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये जो sec स्क्वायर एक्स है इसकी जगह क्या रख दूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एंड अब ये हो गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन a इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस b dx। ये होगा मेरी स्टेप नंबर 2। क्या किया अपने स्टेप नंबर 2 में, ये जो sec स्क्वायर एक्स है डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का नहीं डिनोमिनेटर का, उसको कैसे रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। फंडामेंटल आइडेंटिटी है ना आपके पास में, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। फिर अपने पास में स्टेप 3 में क्या करना है आपको, पुट tan x equal to t and differentiating with respect to x।
ये जो tan x है इसके जगह क्या पुट करना है आपको, t पुट करना है। तो आप यहां पे करोगे पुट tan x इक्वल टू t, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, dt का क्या होगा, dt अपॉन dx। तो dx इधर आ जाता है, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ओके, फिर ये जो भी आएगा ये कहां पुट करेंगे, इक्वेशन वन में। फिर इक्वेशन वन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, dt अपॉन sec स्क्वायर x dx उसकी जगह dt, a इन ब्रैकेट वन प्लस t स्क्वायर प्लस b। अब इसको क्या करना है आपको, फिर सिंप्लीफाई करना है। तो पुट tan x इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, स्टेप फोर। ये सब कुछ कहां रखेंगे अपन, स्टेप टू में रखेंगे। स्टेप फोर, देन कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू, उसका मैं प्रॉब्लम कहां कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू, दो तरीके में प्रॉब्लम कन्वर्ट होगा। एक पहला नंबर वन कहां में जाएगा आपका, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, या फिर वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जाएगा। या फिर आपका प्रॉब्लम कहां जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx, इसमें आपका क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यानी ये अगर इस टाइप से अगर है तो ये टाइप वन में जाएगा, और इस तरीके से रहेगा तो कहां जाएगा आपका, टाइप टू में जाएगा। फिर वन अपॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की आपको प्रोसीजर मालूम है, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक अपने कल ही देखा कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज अंडर द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। सो दीज आर द स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 18। तो प्रॉब्लम नंबर 18 सॉल्व करने के लिए अपने को ये स्टेप्स क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, है ना। 18 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो इस कैटेगरी में जाएगा, और इस कैटेगरी का कोई भी प्रॉब्लम रह गया तो उसको इसी प्रोसीजर से क्या करना पड़ेगा, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे मैंने आपको टाइप लिख के दिया, उसके स्टेप्स आपको लिख के दिया, और उसका आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी बताया कि इस तरह अपन उसको सॉल्व करेंगे करेंगे। ओके, तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 18 की तरफ, है ना। में प्रॉब्लम नंबर 18 सॉल्व करते हैं, चलिए इसको I लिख लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 प्लस 3 कॉस स्क्वेयर एक्स डीएक्स, टाइप आप समझ गए, कॉस स्क्वेयर एक्स आ गया, मतलब पहली स्टेप क्या है, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वेयर एक्स। कॉस स्क्वेयर एक्स से दोनों को क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। सो इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डीएक्स। सो इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, सो दैट इज sec स्क्वेयर एक्स अपॉन फोर अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, मीन्स फोर sec स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, कॉस स्क्वेयर कैंसिल हो गए, क्या मिल गया आपको, थ्री मिल गया। ये तो समझ ही गए होंगे आप, फोर बाजू में आ गया, वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स यानी क्या हो गया, sec स्क्वेयर एक्स। अब ये डिनोमिनेटर में जो sec स्क्वेयर एक्स है इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। सो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे अपन, इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वेयर एक्स अपॉन फोर, कैसे रिप्लेस करना है, वन प्लस tan स्क्वेयर एक्स, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज कर लिया अपने, टर्म्स विच इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर sec स्क्वेयर एक्स इज रिप्लेस बाय वन प्लस tan स्क्वेयर एक्स। अब आपको पुट करना है, सो पुट क्या पुट करना है आपको,
tan x equal to t. So differentiating with respect to x, tan x का derivative कल क्या था sec square x, आज भी वही रहेगा. अरे मैं tan x का derivative कल भी वही था, आज भी वही है, sec square x equal to dt upon dx. So therefore sec square x dx equal to dt. अब ये सब वैल्यूज अपन इक्वेशन वन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे. तो sec square x dx उसकी जगह लिख देंगे dt upon 4 in bracket 1 plus tan x. tan x बोले तो t, so that is t square plus 3, 1 plus t square plus 3. अब सिंप्लीफाई करना है आपको, 1 upon 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 plus 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 t square plus 3 dt. So that is equal to integration 1 upon 4 t square plus 7 dt. अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले में आ गया, जो अपने सात फॉर्मूले देखे थे ना. ओके, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, मतलब फर्स्ट थ्री फॉर्मूले में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया. तो उसकी कंडीशन है स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना, वन होना. अगर वो सात फॉर्मूले आपको यूज करना है तो उसकी पहली कंडीशन क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म मस्ट बी वन. यहाँ पे कितना है 4, तो पहले आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा. यानी 1 अपॉन 4 कॉमन ले लिया, सो 1 अपॉन t square plus 7 upon 4 dt. फिर आपको मालूम है कि सेकंड वाली जो टर्म्स है इसका भी स्क्वायर लगता, तो 1 upon 4 इंटीग्रेशन 1 upon t square plus root 7 by 2 उसका स्क्वायर dt. ओके, अब ये कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ये 1 upon 4 वैसे रहेगा, 1 upon a square plus x square, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फटाक से जाके देखिए कौन सा फॉर्मूला, अगर लर्न हो गया मतलब अभी बताइए, नहीं तो फिर आपको पिछले फॉर्मूला आपको देखना ही पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहां जाता है, ये 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. फॉर्मूला यहां से लिखना, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. ये तो 1 बाय 4 ऐसी रहेगा, 1 अपॉन ए, ये ए की वैल्यू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए. अब ये 2 और ये कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास में जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट 7 tan इनवर्स 2, इसको चिपक जाएगा, ट्वाइस t अपॉन रूट 7 प्लस सी. अब t की वैल्यू क्या कर देना, आपको पुट कर देना है. तो t की वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट 7 tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 टाइम्स t की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, tan x अपॉन रूट 7 प्लस सी. t की वैल्यू पुट कर दिया, t की वैल्यू आपने यहां रखा था, t मतलब क्या है, tan x प्लस c. ध्यान में. तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 18 क्या किया, सॉल्व किया. अब सोचिए इस प्रॉब्लम के बारे में, अगर ये प्रॉब्लम का आपको टाइप नहीं पहचानते आया, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको स्टेप्स मालूम नहीं है, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. ध्यान में. जिस बच्चे को कैटेगरी पहचानते आती, उसके टाइप्स पहचानते आते, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर बोलो या उसके करस्पॉन्डिंग स्टेप्स उसकी लर्न है, तो उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है. क्योंकि आप लोग देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने क्या किया, डिवाइड किया, एडजस्ट किया और क्या किया, फॉर्मूला यूज किया. फॉर्मूला यूज करते वक्त ध्यान में रखा कि वो मुझे सात फॉर्मूला यूज करना है, तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना लेना है, मुझे 1 लेना है. ध्यान में. तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन जो बच्चों को हार्ड जाता है, वो उसी वजह से जाता है कि वो उसके करस्पॉन्डिंग टाइप नहीं पहचान पाते, और टाइप्स अगर पहचान भी लिया तो स्टेप्स कंफ्यूज हो जाती है उनकी. तो इसीलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना ही है. अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 19 के तरफ. 19 वाला प्रॉब्लम इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है,
तो उसको भी क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 19 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस 2x प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स आ गया। यहां पे कॉस 2x है तो अपन पास में जो कॉस 2x की वैल्यू है वो क्या करेंगे अपन पुट करेंगे, और कॉस 2x की वैल्यू पुट करने के बाद में इसको क्या करेंगे सॉल्व कर दे। अब कॉस 2x की दो वैल्यूज आपके पास में, वैसे तो चार वैल्यूज है, तो आप यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वो भी पुट कर सकते हैं अपन। सो आई इक्वल टू क्या आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस 2x की वैल्यू पुट करता मैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस है 3 माइनस 1 है तो कितना हो गया प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या किया बराबर ध्यान रखिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2x की वैल्यू पुट कर दिया मैंने कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 1 दैट इज प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर अब पहली स्टेप कौन सी आपकी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सो दैट इज टैन स्क्वायर एक्स। क्या आ गया आपका टैन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ गया टैन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे डिनोमिनेटर में सेक्स स्क्वायर एक्स की टर्म आ रही क्या नहीं आ रही, तो फिर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है आइदर में, तब इसको पुट करेंगे अपन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सो पुट टैन एक्स इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, सो देयरफॉर सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, सॉरी ये 2 गायब कर दिया अपन, यहां पे 2 आएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये 2 रहेगा, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसकी जगह लिख दिया डी टी 1 प्लस 2 टी स्क्वायर 1 प्लस 2 टेन एक्स बोले तो टी का स्क्वायर हो गया। ओके अब इसको क्या लिखेंगे अपन इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूले में कन्वर्ट होने के बाद में आपको मालूम है कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना, तो मैं यहां से 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लेता हूं, सो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 डी टी, समझ गया बराबर। ओके फिर फॉर्मूला क्या बोलता है कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना और इस साइड में जो टर्म्स है उसका भी क्या होना स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 2 उसका स्क्वायर डी टी, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कौन से फॉर्मूले में क्या देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले तो 1 अपॉन ए
tan inverse x अपॉन a, फॉर्मूला याद से लिखना है आपको, कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अब यहां पे टू है ये टू को क्या लिख सकता है, मैं रूट टू इंटू रूट टू लिख सकता हूं, सो दैट इज इक्वल टू वन अपॉन, उसको लिख दिया मैंने रूट टू इंटू रूट टू, ये रूट टू ऊपर चले गया, हो गया मेरे पास में रूट टू अपॉन वन टेन इनवर्स इन ब्रैकेट रूट टू ऊपर आ जाएगा, सो टू टाइम्स सॉरी रूट टू है, सो दैट इज रूट टू इंटू टी, ये रूट टू इसके साथ में आ गया, अपॉन वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक रूट टू कट गया तो मेरे पास में आ गया वन अपॉन रूट टू इंटू टेन इनवर्स रूट टू इंटू टी प्लस सी, अब वैल्यू पुट कर दो, सो वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स रूट टू टी, टी की वैल्यू किधर गई, ये टी की वैल्यू कितनी है टेन एक्स प्लस सी, ओके ये भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 18 के जैसे ही था, सिर्फ डिफरेंस इतना था कि प्रॉब्लम नंबर 18 डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा था और ये प्रॉब्लम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया cos 2x की वैल्यू पुट कर दिया और पुट कर मैंने सिंप्लीफाई करके फिर उसको क्या करेंगे किया मैंने सॉल्व किया, आप यहाँ पे cos 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा, आई बात समझ में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 20 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 20 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स डी एक्स, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे साइन थ्री एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी वैल्यू है साइन थ्री एक्स की, साइन थ्री एक्स इक्वल टू, बोलिए साइन थ्री एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री टाइम्स साइन एक्स माइनस फोर टाइम साइन क्यूब एक्स, साइन थ्री एक्स की वैल्यू है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, तो मैं साइन थ्री एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा मेरा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स की वैल्यू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉमन निकाल लिया तो थ्री माइनस फोर साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, साइन एक्स कट गया वन अपॉन थ्री माइनस फोर साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, टाइप समझ गया आपको, साइन स्क्वेयर एक्स आएगा कॉस स्क्वेयर एक्स आएगा कुछ भी आएगा तो क्या करेंगे अपन डिवाइडिंग, पहली स्टेप आपकी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वेयर एक्स बाय कॉस स्क्वेयर एक्स, सो इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स थ्री माइनस फोर साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, सो दैट इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स सेक्स स्क्वेयर एक्स अपॉन थ्री अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स मीन्स थ्री सेक्स स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स दैट इज टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ओके फिर इसको सॉल्व करना है अपने को, डिनोमिनेटर में जो सेक्स स्क्वेयर एक्स है उसको क्या करेंगे अपन रिप्लेस करेंगे कैसे वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स है, तो ये हो जाएगा मेरा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वेयर एक्स अपॉन थ्री टाइम्स डिनोमिनेटर में जो सेक्स स्क्वेयर एक्स है उसको रिप्लेस कर दो कैसे वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स माइनस
4 tan square x dx. So that is equal to integration 6 square x upon 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 टाइम्स tan square x माइनस 4 tan square x. सो इंटीग्रेशन 6 स्क्वेयर एक्स अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स. क्या मिला आपको? 6 स्क्वेयर इंटीग्रेशन 6 स्क्वेयर अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स. फिर क्या करेंगे अपन? पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वेयर एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स. तो सेक्स स्क्वेयर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. सो इक्वेशन वन इंप्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वेयर एक्स डी एक्स. क्या रख दू वहां पे? डी टी अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वेयर, यानी क्या हो गया? टी का स्क्वेयर. सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसका भी स्क्वेयर लगता आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टी स्क्वेयर डी टी. फॉर्मूले के हिसाब से अपने को यहां पे जो टर्म्स है उसका भी क्या लगेगा? स्क्वेयर लगेगा. अब ये फॉर्मूला आ गया आपका 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. कौन सा फॉर्मूला में आएगा? 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. क्या फॉर्मूला है 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का? दैट इज 1 अपॉन ट्वाइस ए. फॉर्मूला याद है ना? 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. तो 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग इन मॉडुलस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. ओके, वन अपॉन ट्वाइस ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट 3 लॉग रूट 3 प्लस टेन एक्स अपॉन रूट 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी. फॉर्मूला याद से मेंशन कीजिए, या मेरे पास में जगह नहीं है करके मैं लिख नहीं पाता हूं, तो आप फॉर्मूला याद से लिखिए. तो क्या हो गया आपका आंसर? 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट 3 लॉग रूट 3 प्लस टेन एक्स अपॉन रूट 3 माइनस टेन एक्स. ओके, तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 20 क्या किया? सॉल्व किया. तो यहां पर आपका एक्सरसाइज 3.2 भी उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर क्या होता है? खत्म होता है. ओके, अभी तक अपने इंटीग्रेशन में क्या देखे? सबसे पहले अपने इंटीग्रेशन में फॉर्मूलेस देखे थे अपन ने. ओके, तो फॉर्मूले में आपको दोनों तरीके से समझा दिया था. इधर डेरिवेटिव वाले लिखे थे, उस तरफ क्या लिखे थे? मैंने आपको इंटीग्रेशन वाले लिख के दिए थे. फिर अपने उसके एफ ऑफ एक्स वाले लिखा था, उसके करस्पॉन्डिंग ए एक्स प्लस बी का सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर में अपने वो देखा था. फिर बाद में अपने उसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. फिर अपने पास में कोरोलरीज थी, कोरोलरीज का यूज किया. और धीरे धीरे जैसे अपन एक्सरसाइज की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे से अपने पास इंटीग्रेशन के टाइप्स भी क्या होते हैं? बढ़ते जा रहे हैं. तो आप लोग क्या कीजिए, एक पेज लीजिए जॉइंट पेज, और जॉइंट पेज के ऊपर क्या कीजिए, टाइप 1 वो टाइप लिखिए, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी क्या लिखिए स्टेप. फिर टाइप 2 उसकी स्टेप. इस तरीके से आप क्या कीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे या जब आपको एग्जाम के दिनों में इंटीग्रेशन की रिविजन करोगे, उस समय आपके पास में सब टाइप्स अगर एक जगह लिखे हुए है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत कम समय में अच्छी तरीके से आप इस चैप्टर का क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन कर सकते हैं. है, कुछ एफर्ट्स आपको लेना ही पड़ेगा, विदाउट एफर्ट्स रिजल्ट आएगा नहीं. तो चार्ट आप बनाइए. क्या करना है चार्ट के अंदर? आपको टाइप लिखना है. जैसे पहला टाइप अपन ने देखा था, एक इम्प्रॉपर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन का देखा था, उसको आप देख लीजिए. जिसमें अपन एक्चुअल डिवीजन करते हैं, एक्चुअल डिवीजन मतलब क्या होता है? डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमेटर, और फिर अपन न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमेटर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसमें लेके उसको इंटीग्रेशन लेके क्या करते हैं अपन? सेपरेट करते. सेपरेट करने में फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट सॉल्व होता, सेकंड पार्ट का हमें जाता है वो आपका
फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है आइनर में। तो इस तरह के जो प्रोसीजर्स दिया है, वो स्टेप्स आपको दिया है, वो उसके नीचे आपको करस्पॉन्डिंग लिखते जाना है। ओके, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको ये इंटीग्रेशन चैप्टर में परेशानी जाएगी नहीं। तो कौन कौन से टाइप्स आपने देखा, जो पहले मैंने भी आपको बताया, प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शन का अपन ने देखा। दूसरा भी टाइप अपन ने देखा था इंटीग्रेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, या इंटीग्रेशन ए ई रेस टू द पावर एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेस टू द पावर एक्स प्लस डी। उसको सॉल्व करने की प्रोसीजर्स आप लोगों के पास में लिखी हुई है आइडन में। फिर उसके बाद में अपन ने एक और टाइप देखा था, फिर आपने क्या देखा था, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये वाला आपने देखा था। उसमें क्या किया था अपने, न्यूमरेटर में का मुझे अंडर रूट क्या करना था, गायब करना था। तो न्यूमरेटर में का अंडर रूट गायब करने के लिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर से ही न्यूमरेटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और वो करने के बाद में फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी जिसको अपन बोलेंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के सॉल्व करने की भी स्टेप्स आपके पास में थी, अरे मैं वो भी स्टेप्स आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से लिख के दिया हुआ है। ओके, और आपने नोट डाउन तो किया ही होगा। फिर उसके बाद में अपने देखा था इंटीग्रेशन वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कॉन्स्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी स्टेप्स है। फिर आज अपने ये टाइप देखा है, कौन सा टाइप देखा अपने, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन वन अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, इस अपने टाइप देखा है ना मैं, उसकी स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। तो आपको करना क्या है, ये जो मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ, इसका इंटेंशन वही रहता है कि आप लोगों को टाइप्स और उसके करस्पॉन्डिंग स्टेप्स जो आपने भूलने को नहीं होना आइडर में। अगर आप इस तरह को कंपेरेटिवली अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो फिर आपको इंटीग्रेशन में कंफ्यूज होगा। भूलोगे तो नहीं, आप क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा, टाइप कोई और रहेगा, आप प्रोसीजर कहीं और की अप्लाई करोगे तो फिर आपका आंसर आएगा नहीं आइडर में। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस तरीके से आपका कन्फ्यूजन नहीं होने को होना। पेपर में अगर प्रॉब्लम आया तो पेपर में भी आपको आसानी से समझ में आने को होना कि इसका टाइप कौन सा है और टाइप्स के बाद में इसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर या इसकी स्टेप्स कौन कौन सी, आपको आसानी से समझ में आने को होना। क्यों, क्योंकि एग्जाम में पहले ही अपने ऊपर प्रेशर रहता है और प्रेशर के अंदर अगर और प्रेशर बढ़ गया तो फिर अपना रिजल्ट आता नहीं आइडर में। यानी कुछ कुछ चीज़ें आती हुई भी क्या हो जाती, फिर अपने हाथ से सिली मिस्टेक होते रहती और प्रॉब्लम्स क्या होते जाते, अपने गलत होते जाते आइडर में। तो वो नहीं होने को ना करके आप लोग अभी से क्या कीजिए, एक पेज लीजिए और एक पेज के ऊपर टाइप लिखना चालू कीजिए। अभी तक जितने भी टाइप्स हुए आप उसको क्या कीजिए, लिख लीजिए, ऊपर टाइप उसका फॉर्मेट लिखना है, नीचे उसकी प्रोसीजर आपको लिख के रखना है आई बदन में। इतना आप कर लीजिए तो फिर आपको परेशानी जाएगी नहीं। तो ये लेक्चर में अपन यहाँ तक ही करेंगे, फिर इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू जो इसमें के जो बचे हुए जो दो टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन से दो टाइप बचे हुए इसके अंदर। जैसे अभी अपने क्या देखा था, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स देखा था, वहां पे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स और दूसरा रहेगा कॉस टू एक्स, ऐसे वो टाइप्स है। इसको जैसा सॉल्व किया ऐसे ही उसकी भी प्रोसीजर रहेगी और उसको भी उसी तरीके से उसकी जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ आपको कि इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको स्टेप ध्यान में रखना है उसके और आपको उसके कैटेगरी और वो आपको पहचानते आने को होना आइडर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।